गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मायसेल्फ प्रतिभा सयाम, आई एम योर न्यू मैथ्स टीचर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। ओके, आवर चैप्टर नेम इज़ नोइंग आवर नंबर। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? नोइंग आवर नंबर। इसका मतलब ये है कि हम अपने नंबर्स के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, लेट अस स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन। इन इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नंबर्स। ओके, वी विल सी हेयर दैट इफ वी काउंट एनी ऑब्जेक्ट इन लार्ज नंबर, फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल एंड रिप्रेजेंट दैम थ्रू न्यूमरल्स, वी कैन ऑल्सो कम्युनिकेट लार्ज नंबर यूजिंग सूटेबल नंबर नेम्स। ओके, अगर यहाँ पर क्या बताया गया है, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को लार्ज नंबर में काउंट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको हम न्यूमरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ इट इज़ नॉट एज इफ ऑलवेज न्यू हाउ टू कन्वे लार्ज क्वान्टिटीज इन कन्वर्सेशन और थ्रू सिंबल, मैनी थाउजेंड ईयर पीपल न्यू ओनली स्मॉल नंबर्स, एज वी नो दैट मैनी थाउजेंड्स ईयर अगो, मतलब हजारों साल पहले जो लोग थे उन्हें सिर्फ छोटे नंबर्स लिखना आता था। ठीक है, उन्हें लार्जर नंबर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। और अब हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे, स्मॉलर नंबर एज वेल एज लार्जर नंबर। ओके, वी कैन काउंट एनी ऑब्जेक्ट एंड रिप्रेजेंट इट इन न्यूमरल फॉर्म। ओके, हम कोई भी ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं और उसे न्यूमरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर हमारे पास बहुत सारा कलेक्शन है कोई नंबर का, ठीक है, तो हम उसे एक प्रॉपर ऑर्डर में, उसको सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हम उसे नंबर के लार्जर या स्मॉलर होने के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंपेयरिंग नंबर। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट ग्रेटर नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, और हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनके वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, लैक पीरियड के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैक, इसके अकॉर्डिंग हम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट है। ठीक है, उनके डिजिट के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि नंबर ग्रेटर है या स्मॉलेस्ट। हम दो तरीके से नंबर का फॉर्म पता कर सकते हैं कि वो ग्रेटेस्ट नंबर है या स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, पहला क्या होगा, उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, उनके डिजिट के अकॉर्डिंग। अगर कोई भी नंबर थ्री डिजिट है और दूसरा नंबर फोर डिजिट है, तो दोनों में से बिगेस्ट नंबर क्या होगा, फोर डिजिट वाला नंबर। ओके, सो लेट अस सी व्हाट वी डिस्कस इन नेक्स्ट टॉपिक। देयर इज़ हाउ मैनी नंबर कैन यू मेक। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हम कितने नंबर्स बना सकते हैं। सपोज वी हैव फोर डिजिट नंबर, 7, 8, 3, 5। ओके, देयर आर फोर डिजिट नंबर। यूजिंग दिस डिजिट वी वांट टू मेक डिफरेंट फोर डिजिट नंबर इन सच वे दैट नो डिजिट इज रिप्रेजेंटेड इन देम। दस 7,835 इज अलाउड, बट 77,035 इज नॉट अलाउड। सो हेयर वी विल डिस्कस दैट, इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस फॉर्मिंग अ नंबर। ओके, वी कैन मेक नंबर इन ग्रेटेस्ट फॉर्म एंड इन स्मॉलेस्ट फॉर्म। ओके, सी हियर सम नंबर्स आर गिवन, फॉर एग्जाम्पल से इन ट्राई दिस, यूज द गिवन डिजिट विदाउट रिप्रेजेंट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर। हेयर वी विल हैव टू मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल ए 2874, दीज फोर नंबर्स हैव बीन गिवन। यहाँ पे देखिए ये चार नंबर दिए गए हैं, 2, 8, 7 एंड 4। सो
we have to make greatest number and smallest number. For greatest number, we will take greatest number first, okay? So here greatest number is 8, and then we will take 7, then we will take 4, and afterward we will take 2, okay? This will become our greatest number. And for making smallest number, we will take first smallest number, okay? So here we take first 2, then 4, then 7, and then 8, okay? In second question, now make the greatest and the smallest 4 digit number by using any one digit twice. अब यहाँ पे second question में हमको क्या करना है कि हमको smallest और greatest 4 digit number बनाना है, okay? यहाँ पे देखिए क्या एक number दिया गया है 3, 8 and 7. अब यहाँ पे हमें 4 digit number form करना है. इनमें से कोई सा भी number हम क्या कर सकते हैं, ट्वाइस मतलब दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है? सपोज़ यहाँ पे क्या दिया है 3, 8, 7, तो हम इस ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 को ट्वाइस फॉर्म में ले लेंगे, ओके? तो हमारा नंबर क्या फॉर्म हो जाएगा, 8, 8, 7, 3, ओके? 8,873, ओके? एंड इफ़ वी आर फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सो वी विल टेक 3 एज अ ट्वाइस नंबर, ओके? वी विल टेक 3. सो आवर नंबर विल बी 3378, ओके? 3378, ओके? नेक्स्ट रीड क्वेश्चन नंबर 3. यू विल हैव टू डू दिस बाय ओन, ओके? वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एज स्टैंड इन प्रॉपर ऑर्डर. Here we will discuss who is taller and who is shorter, okay? यहाँ पर हम discuss करेंगे कि कौन सा tallest है और कौन सा shortest है. Tallest means लंबा, shortest means छोटा, okay? तो यहाँ पर हम meter centimeter के according पता करेंगे, ठीक है, कि कौन सा tallest है और कौन सा shortest है. यहाँ पर एक और topic दिया गया है, ascending order और descending order. Ascending order means arrangement from the smallest to the greatest. Descending order means arrangement from the greatest to the smallest. Ascending order का मतलब होता है smallest से greatest में arrange करना, ओके? और descending order का मतलब होता है greatest to smallest, greatest से smallest number में arrange करना, ओके? Next we will discuss, our next topic will be shifting digit. Shifting digit means we will shift a digit from ones to 100, 100 to ones or 100 to tens, likewise, okay? यहाँ पर shifting digit का मतलब होता है हम किसी number को ones से 100 में ले जाएंगे या 100 से ones में ले जाएंगे, ठीक है? हम number को shift क्यों करते हैं, हम number को shift इसीलिए करते हैं ताकि हम smallest number या largest number form कर सकें given number से, okay? Next we will discuss introducing 10,000. Introducing 10,000 means यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें 10,000 कैसे मिलेगा, okay? We know that beyond 99 there is no 2-digit number. हमें पता है कि 99 के बाद कोई भी 2-digit number नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 99 के बाद क्या आता है, 100, okay? 100 is the greatest 2-digit number. सॉरी 99 इज़ द ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर. 99 क्या होता है, ग्रेटेस्ट 2-डिजिट नंबर होता है, ठीक है? और इसी तरह आगे भी होगा. सिमिलरली द ग्रेटेस्ट 3-डिजिट नंबर इज़ 999 एंड द ग्रेटेस्ट 4-डिजिट नंबर इज़ 9999. इसी तरह हम आगे क्या देखेंगे कि जो सबसे बड़ा 3-डिजिट नंबर है वो क्या होगा, 999, और जो सबसे बड़ा 4-डिजिट नंबर है वो क्या होगा, 9999, ओके? So next we will discuss what shall we get if we add 1 to 9999. यहाँ पर हम आगे discuss क्या करेंगे कि हमें कैसे, अगर हम 1 को 9999 में add करेंगे तो हमें क्या मिलेगा. अगर हम 1 को 9099 में add करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10,000, okay? So here what we have observed that
greatest single digit number plus 1 is equal to smallest two digit number. नोट दैट पॉइंट, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए. यहाँ पे देखिए, जो ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर है उसमें अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर. ओके, नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. यहाँ पे हम देखेंगे जो टू डिजिट नंबर है, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर है, उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. ओके, नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर प्लस 1 इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर. यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर है उसमें अगर हम 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर. फॉर एग्जांपल, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, 999. ओके, अगर हम 999 में 1 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1000. क्या मिलेगा, 1000. एंड 1000 इज द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर. ओके, आर यू गेटिंग मी? नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू. रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू मीन्स एक्सपेंशन ऑफ नंबर. हेयर वी विल एक्सपेंड द नंबर. ओके, एक्सपेंड मीन्स नंबर को अलग करना. ठीक है, सपोज 78 इज गिवन, एंड हाउ डू वी एक्सपेंड 78? वी विल एक्सपेंड 78 एज 70 + 8. हम 78 को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 78 को कैसे लिखेंगे, 70 + 8. ओके, यहाँ पे 8 किस प्लेस में आ जाएगा, वंस के प्लेस में, और 70 का किस में फॉर्म होगा, 70 टेंस के फॉर्म में होगा. ओके, तो यहाँ पे हम नंबर को वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, इस बेस पे हम यहाँ पे नंबर को एक्सपेंड करेंगे. ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, ट्राई दिस, रीड एंड एक्सपेंड द नंबर वेयर एवर देर आर ब्लैंक्स. यहाँ पे हमें नंबर को एक्सपेंड करना है. यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, देखिए, नंबर क्या है यहाँ पे, 20,000. ओके, और नंबर को हम नंबर नेम के फॉर्म में कैसे रीड करेंगे, 20,000, और एक्सपेंशन क्या होगा इसका, 2 × 10,000. ओके, इन सच वे वी विल डू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रोड्यूसिंग 1 lakh. सो हेयर वी विल रीड अबाउट 1 lakh. ओके, हमें 1 lakh कैसे मिलेगा. 1 lakh इज अ 6-digit नंबर. काउंट 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 lakh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 lakh इज अ 6-digit नंबर. ओके, इफ वी एड द ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर विथ 1, what do we get? We will get 1 lakh. Okay, so form, so you will have to do next question, try this. Okay, we will discuss next larger number. Larger number we will find how to make, we will discuss here how can we form larger number. Okay, देर इज़ अ पैटर्न गिवन. यहाँ पे एक पैटर्न दिया गया है, देखिए, 9 + 1 = 10, 99 + 1 = 100, 99 + 1 =, वॉट वी विल गेट, वी विल गेट 1000. 9999 + 1 = 10,000. ओके, इन सच वे यू विल हैव टू कम्प्लीट दिस पैटर्न. आपको इसी तरह ऐड करके इस पैटर्न को कम्प्लीट करना है. ओके, वन मोर टॉपिक इज देयर, यूज ऑफ कॉमा. ओके, वैन वी फेस प्रॉब्लम रीडिंग अ नंबर, जब भी हमें कोई नंबर रीड करने में प्रॉब्लम होती है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम नंबर्स को एक्सपेंशन के फॉर्म में देखेंगे. ठीक है, हम एक प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे. प्लेस वैल्यू चार्ट बना करके हम कॉमा का यूज़ करेंगे. ठीक है, और कॉमा का यूज़ हम दो वे में करते हैं, यहाँ पे इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ओके, तो हम ये आगे डिस्कस करेंगे, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कैसे करते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे नंबर को कॉमा से डिवाइड करके हम उसको रीड करते हैं. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.